नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटी न्यूज के चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सासाराम के टोल प्लाजा पर ओवरटेक वाहन के ऊपर कार्रवाई होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है एनएचएआई ने की गाइडलाइंस में क्या है इसके बारे में बात करेंगे और एनएचएआई जिला प्रशासन मिलकर करेंगे इसकी कार्रवाई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आपसे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि एनएचआई जिला प्रशासन मिलकर कार्रवाई करेगी। जैसा कि गाइडलाइंस में बताया गया कि 50 टन से ज्यादा ओवरलोडेड गाड़ी नहीं चल सकती है। अगर कई लोग इसके खिलाफ में हैं, वो मनमानी कर रहे हैं, वहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है टोल प्लाजा पर कि यहां पर प्रशासन और एनएचआई मिलकर यानी जिला प्रशासन और एनएचआई मिलकर कार्रवाई करेंगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि इस वक्त जो बरसात का समय है जिसमें मिट्टी गीली हो जाती है, इस वजह से उसको खिसकने का, रोड खराब होने का चांसेस बना रहता है। ऐसे में एनएचआई के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही निकल के सामने आ रही है। तो वक्त हो गया है विदा लेने का। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसटीजी न्यूज चैनल के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।